पहले एक बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, ACCAglobal.com, अंडर स्टूडेंट टैब, अंडर स्टूडेंट स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, अंडर स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस ACCA क्वालिफिकेशन फाउंडेशन लेवल इज फॉर 10 पास आउट। इवन 10 पास आउट के लिए भी ACCA है, बट इफ दे स्कोर्ड लेस देन 65% देन वो फाउंडेशन लेवल में जाते हैं। IFRS अलग एरिया है, ओनली IFRS एग्जाम। हम लोग ACCA क्वालिफिकेशन में उसके अंदर गए, ऑल द 9+6 15 सब्जेक्ट्स डिटेल्स आर हियर। वी आर कंसर्न विथ AFM। AFM के अंदर मान लीजिए आपको सिलेबस देखना है, जो भी है सब यहां पर शुरू से है, ठीक है। मेरा पर्पज है मेनली एक बार एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये एक बार देखना, पास्ट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पास्ट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाने के लिए यू नीड टू लॉग इन विथ योर आईडी एंड पासवर्ड। तो अपना आईडी और पासवर्ड से लॉग इन किए, यू आर टेकन टू अ न्यू वेबसाइट और यू कैन से न्यू प्लेटफॉर्म विच इज अटैच्ड विथ ACCA नॉर्मल वेबसाइट। उसमें आपको राइट हैंड साइड में सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे। वी आर कंसर्न विथ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें ACCA ऑफिशियल रिसोर्सेस, पास्ट एग्जाम्स, दोस विच कम्स इन पास्ट एग्जाम्स, वो करीब 6-7 पेपर्स आर गिवन। प्रैक्टिस एग्जाम्स अभी वो लोग चालू किए हैं कि हर टर्म के लिए एक नया प्रैक्टिस एग्जाम वो लोग डालते हैं। दोज हु हैव गिवन एग्जाम इन सितंबर दिसंबर, बार बार प्रैक्टिस एग्जाम नया ऐड करते जा रहे हैं वो लोग। पास्ट एग्जाम और प्रैक्टिस एग्जाम लेकर प्रेजेंटली देयर आर 11-12 मॉक पेपर्स और एक स्पेसिमेन पेपर भी होता है, वो इसमें नहीं है, नहीं है, एक स्पेसिमेन पेपर भी होता है, वो इधर नहीं है। नाउ सपोज AFM स्पेसिमेन फ्रॉम सेप्टेम्बर 2022 ऑनवर्ड्स, लेकिन इसमें और 23 का कोई नहीं है, दिस AFM प्री दिसंबर 2023 मॉक एग्जाम सपोज इसको असाइन किए, एंड दिस इज अंडर द हेडिंग प्रैक्टिस एग्जाम। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड वंस यू असाइन ACCA AFM प्रैक्टिस एग्जाम, AFM पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स, इसके अंदर सितंबर दिसंबर आई एम कंसर्न्ड विथ इसके अंदर नहीं है, AFM स्पेसिमेन में है। नो AFM प्री सेप्टेम्बर प्री डिसंबर 2023 मॉक एग्जाम SBL AFM अंडर प्री डिसंबर AFM प्री डिसंबर मॉक एग्जाम, इन्होंने ये नया डाला था फॉर द डिसंबर एग्जाम। दोज हु हैव गिवन डिसंबर एग्जाम उन लोग ये पेपर प्रैक्टिस कर सकते थे। दिस इज एग्जैक्टली द वे यू विल बी गेटिंग ऑन द स्क्रीन वेदर यू गिव एग्जाम फ्रॉम होम और वेदर यू गिव एग्जाम फ्रॉम एग्जाम सेंटर। आपका स्क्रीन ऐसा ही आपको दिखेगा एग्जाम में। इफ दोज हु हैव नेवर गिवन एग्जाम फॉर ACCA प्रोफेशनल लेवल दे शुड बी रीडिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करने से चला जाता है यार, लेता नहीं है, अब चला जाएगा बिकॉज मैं क्लास के लिए एक बार थोड़ा स्क्रीन जूम कर देता हूं, लेकिन इट विल नॉट वर्क इफ दैट मच जूमिंग वी आर डूइंग। दोज हु हैव नेवर गिवन एग्जाम फॉर ACCA प्रोफेशनल लेवल दे शुड बी रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम का रूल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड देन द टू क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स ईच, नो चॉइस नो ऑप्शन, 100 मार्क्स पेपर 100 मार्क्स क्वेश्चन and you need to solve those 100 marks question. तो ये first question है 50 marks का।
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सम सॉर्ट डिटेल्स अबाउट द एग्जिबिट, मोर डिटेल्स अबाउट द एग्जिबिट वी विल बी एबल टू गेट फ्रॉम हियर, कि आपको एक कंपनी है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी उसको क्या इश्यू महसूस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है रिलेटिंग टू फाइनेंस, वो ये लोग यहां पर लिख कर दिए। आपको ऐसे अपना स्क्रीन एडजस्ट करना होगा एग्जाम में, आपको बंद नहीं करना है, मत करिए उसको। देन टेक ओवर डिफेंसेस, मे बी समबडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर ए कंपनी बट द कंपनी डोंट वॉन्ट टू बी टेकन ओवर, सो वट आर द डिफेंसेस अवेलेबल, एंटी टेक ओवर स्ट्रैटेजी। देन फाइनेंशियल डिटेल्स, मे बी सम कैलकुलेशंस आर देयर ऑन वैल्यूएशंस ऑफ अ कंपनी एंड फॉर वैल्यूएशन पर्पस सम फाइनेंशियल डिटेल्स आर गिवन विच इज ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिग यूजेस, वट एवर द कैश फ्लोज यू विल बी कैलकुलेटिंग यू नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज कैश फ्लोज। देन द एम्प्लॉई रेमोनरेशन, मे बी देयर इज सम क्वेश्चन रिलेटिंग टू एम्प्लॉई रेमोनरेशन ESOP और समथिंग, नॉट दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बट एम्प्लॉई लोग को रेमोनरेशन कैसे दिया जाना चाहिए इन द न्यू कंपनी आफ्टर टेक ओवर और मे बी अर्लियर, वट एवर समथिंग इज गिवन। एंड देन दीज फोर एग्जिबिट्स के बाद आपको रिक्वायरमेंट दिया जाता है, रिक्वायरमेंट 50 मार्क्स का रिक्वायरमेंट में 5 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स एंड देन 3 मार्क्स 10 मार्क्स 5 मार्क्स एंड देन 10 मार्क्स एंड टोटल 50 मार्क्स। You can see that professional marks will be awarded for the demonstration of skills, analysis, evaluation, skepticism, commercial acumen in your answer. ये जो 10 marks आपको professional skills के लिए दिया जा रहा है, इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है आपको, there is no separate study required. जब आप answer लिखेंगे और अगर आप properly answer लिख रहे हैं, ये 10 marks आपको free में दिया जाता है। Professionalism मतलब सही से बोलना, गलत बात नहीं बोलना, वट एवर यू आर सेइंग द अदर पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, योर लैंग्वेज शुड बी वेरी कॉर्डियल, शुड बी प्रॉपर, देन व्हेन यू आर सेइंग समथिंग इट इज रिलेटेड विद द सिनेरियो, देन उसको यूज करना, उन्हीं के अंदर ये सब आता है। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रॉपर आंसर आपको 10 मार्क्स अलग से मिलता है, व्हेन योर आंसर 40 मार्क्स का बहुत अच्छा है तो आपको 10 में से 7 to 8 मार्क्स ऐसे भी मिलेगा, लेकिन अगर आपके आंसर्स ऊपर में खराब है तो आपको 10 में से 2-3 नंबर ही मिलेगा, और अगर बहुत ही खराब है तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कहां हुआ, 0 मिलेगा। दिस प्रोफेशनलिज्म डज नॉट रिक्वायर ए सेपरेट स्टडी। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं, दोज हु हैव नॉट डन द ACCA एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल, आपको 13 एग्जाम्स पास करना है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए। एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल दोज हु हैव नॉट डन शुड बी डूइंग बिकॉज दिस इज स्लाइटली फ्री टाइम, अभी चालू हुआ है आपके पास 10-12 दिन, थोड़ा उतना हेक्टिक नहीं है स्टडी, जब 2-4 क्लास लेंगे तब तो जोर बढ़ेगा ना, तो यू कैन डू इट एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल टूडे ओनली। जैसे आप एग्जाम बुक करते हैं वैसे अपने अकाउंट में माई ACCA में जाइए, वहां पर एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल का 65 और 66 पाउंड पे करिए, फिनिश इट। इट इज नॉट एन एग्जाम, सम मटेरियल्स इंस्टीट्यूट विल गिव, सम वीडियो दे विल गिव एंड सम असाइनमेंट यू नीड टू सॉल्व, उससे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स बेटर हो जाता है। यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड आफ्टर द क्लास, अराउंड 2 to 3 आवर्स लेटर आपको अपने आप सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना है, सब रिकॉर्डिंग चल रहा ऑलरेडी, सब स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग क्लासेस अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड सर, जो मैंने कल बोला कि वंस द क्लास इज ओवर आफ्टर 2 to 3 आवर्स यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स इन द ऐप एंड द सॉफ्टवेयर, वो आपका इंस्टॉल नहीं हुआ है क्योंकि आप कल ज्वाइन किए, जब टीम मेंबर्स 10:30 11 o'clock आएंगे वो सब इंस्टॉल कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी तो कोई ऑफिस नहीं आया यार, है। So what I was saying that, ki those who are new to ACCA, already CMA-CA, have not done the ethics and professional module, aap usko complete kar lijiye. This is the best time to complete that, then aapka ethics and professionalism ka practical knowledge achha ho jayega. Aur karna to padega hi, why to delay it? So complete the ethics and professional module, those who have not done up till now. उससे आपका थोड़ा फीलिंग होएगा, लेकिन यहां पर इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं,
एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल के लिए। जब आप ये रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस खोलेंगे रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट को आप नॉर्मली इफ आई एम देयर इन द एग्जाम हॉल, मैं तो भैया उसको कॉपी कर लूंगा, कॉपीड एंड देन वर्ड प्रोसेसर में जहां पर आंसर लिखना उसको पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्स में ये चीज सबसे पहले करना है, और आप इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दीजिए जैसे था, बिकॉज व्हेन यू डू कॉपी पेस्ट थोड़ा सा अलाइनमेंट अरेंजमेंट करना होएगा भाई, वो कर दिया जाएगा। मैं अभी नहीं कर रहा आगे, द फर्स्ट क्वेश्चन द सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि बार बार यू डोंट नीड टू ओपन सेपरेट वीडियो सेपरेट विंडो सॉरी, ये आपको रिक्वायरमेंट का विंडो बार बार नहीं खोलना पड़े। आप सीधा सीधी तैयार रहिए कि आई विल कॉपी पेस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट एंड दीज रिक्वायरमेंट्स आर डेफिनेटली रिलेटेड विथ डिफरेंट डिफरेंट एग्जिबिट। मे बी कोई रिक्वायरमेंट ऐसा भी हो सकता है विच इज रिलेटेड विथ 3-4 माने 2-3 एग्जिबिट से रिलेटेड, बिकॉज ऑल दीज रिक्वायरमेंट आंसर विल बी बेस्ड ऑन वॉट एवर रिटन इन द एग्जिबिट। मान लीजिए देर आर सम रिक्वायरमेंट विच इन्वॉल्व कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब 2+2=4, वो आप यही कर लीजिएगा। इफ देर आर रोज कॉलम, सपोज यू नीड टू वैल्यू द कंपनी, और कंपनी का कैश फ्लो आपको 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, आपको 6 years का कैश फ्लो निकालना है, उसमें भी सेल्स है, बहुत कुछ है, तो आप दिस वर्किंग यू कैनॉट डू हियर इन द वर्ड प्रोसेसर, देन यू शुड बी यूजिंग एक्सेल। इट इज नॉट अ नॉर्मल एक्सेल विच वी आर यूजिंग, द नॉर्मल एक्सेल विच वी यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ हैज सो मेनी फीचर्स, यहां पर बस इतना ही फीचर्स है, बस इतना ही। This is not a normal word file, बस यहां इतना ही फीचर्स है, वैसे इतना भी काम आता नहीं है। Those who have given the exam, they know that there is no usage of all these. बहुत कम यूसेज, आपने को चुपचाप टाइम है नहीं कैलकुलेशन के लिए यूज करना। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन की यहां 12 है, यहां 15-12 है, आपको इनको जोड़ना है घटाना है, जो आप करते हैं नॉर्मली, दैट यू कैन डू सम। उसके बाद आपको इन दोनों कॉलम को प्लस करना है, एनपीबी वगैरह का कैलकुलेशंस के लिए आपको एक्सेल यूज करना है, यू कैन यूज, कैलकुलेटर चाहिए ही नहीं। बेसिक एक्सेल कैलकुलेशंस, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, देन यू कैन से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम, वो सब फीचर्स इसके अंदर है। एडिशन ऑफ अ न्यू कॉलम और रो, डिलीशन ऑफ अ कॉलम और रो इज नॉट पॉसिबल, जो कॉलम रो है सो यहां है, आप अलग से एड लेस नहीं कर सकते, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो एक्सेल इज अलाउड एंड इन एएफएम एग्जाम नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू नीड टू यूज एक्सेल। कभी फॉरेक्स का कैलकुलेशन है, कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह कुछ निकालना है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कभी रेशियो फेसियो निकालना है, तो वो चीज अगर आप यहां करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। You will be able to use the Excel feature, can do faster calculations. Normally, calculator में बहुत ज्यादा calculation नहीं करना पड़ेगा, that will be handy for you. उसके लिए मैंने करीब 4-5 साल पहले ही एक video बनाया था। Even though normally जो भी students class में हैं, सब लोग already working हैं, तो Excel में आपको खुद ही आता है। मैं क्या बताऊंगा, मैं आपसे भी low हूं, because I don't have very sound knowledge of Excel. लेकिन फिर भी क्या है कि देर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्किल लेवल नॉट वर्क एनीवेयर, तो उस पर प्रॉब्लम होती है। तो ACCA स्टूडेंट एक्सेल इज अलाउड इन एग्जाम, ये वीडियो है। बोलेगा ये मेरे को लिंक कहां से मिलेगा, इन आवर क्लास वी आर यूजिंग क्लास नोट्स और क्लास स्लाइड्स, पढ़ाते वक्त मैं कुछ ना कुछ लिखते रहता हूं। सो दिस क्लास नोट्स एंड क्लास स्लाइड्स आई विल मेल आफ्टर एवरी क्लास। सो ये जो लिखा हुआ है ये मैंने प्रीवियस बैच के क्लास स्लाइड से कॉपी किया है, कुछ नहीं किया है। और तो ये लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे, ये लिंक को आप डालेंगे, अरे यार यू जस्ट पेस्ट दिस लिंक, यू विल बी गेटिंग अ YouTube वीडियो। वो YouTube वीडियो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बता रहा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एवरेज एनपीबी आईआरआर ऑप्शन का कैलकुलेशन इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए हैंडी रहेगा फ्यूचर में, जब हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे
देन कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. मे बी यू आर एक्सेल में आपने बहुत काम किया है, हो सकता है कि ऑप्शन वगैरह वैल्यूएशन एक्सेल में नहीं किया होगा, तो एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा. इट विल बिकम सिंपल फॉर यू बिकॉज इन AFM कैलकुलेशंस विल बी देयर इन एग्जाम. इन SBR इट्स जस्ट प्लस माइनस. इन AFM इट्स बिगर कैलकुलेशन. इन APM बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस. इन SBL नो कैलकुलेशन. इन ऑडिटिंग नो कैलकुलेशन एज सच. इन टैक्सेशन प्लस माइनस. प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर है उसमें AFM में कैलकुलेशन भरती है. नॉट ऑफ 100 मार्क्स में कोई 70 मार्क्स, 100 में 30 मार्क्स, बट दे आर बल्क कैलकुलेशंस. सो आपको कैलकुलेशन से हैंडी होना पड़ेगा इफ यू वांट टू गिव प्रोफेशनल लेवल पेपर AFM एग्जाम. और AFM का एग्जाम वर्ल्ड में सब स्टूडेंट देता है. आउट ऑफ वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट दे सेलेक्ट AFM बिकॉज दे लाइक आई कैन सी फिनेंस इंटरेस्ट इज देयर. सबके मन में जनरली फिनेंस का इंटरेस्ट एक कीड़ा है. एंड एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स थ्योरी से नॉर्मली स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है. आई एम नॉट रीडिंग एनी क्वेश्चन, हम लोग कुछ पढ़े नहीं, मैं खाली दिखा रहा हूं. प्रॉब्लम क्या होती है कि इन द फर्स्ट क्लास आई एम शोइंग व्हाट इज द पेपर स्ट्रक्चर, हाउ मेनी क्वेश्चन कम्स, व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर. लेकिन फिर स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे बोलता है सर पेपर कैसे प्रैक्टिस करें, सर कितना का क्वेश्चन आता है, तो मन में चोट लगती है. सीरियस बनना होगा. दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम दे नो, दोज हु हैव नॉट गिवन द एग्जाम दे नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कि भाई एग्जाम कैसे आने वाला है, ये एग्जाम का फॉर्मेट है. आप घर से एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम सेंटर से जाकर एग्जाम दीजिए, ऐसे ही एग्जाम खुलेगा आपका सिंस 2016, नॉट नाउ. और अभी तो 24 आ गया, 8 साल हो गए हैं. ऐसे ही एग्जाम होता है ACCA का. कोई पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम ACCA का नहीं है. नाउ दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स. 25 मार्क्स के लिए फिर से देयर आर 3 एग्जिबिट्स, फिर से देयर इज रिक्वायरमेंट, फिर से देयर इज वर्ड प्रोसेसर एंड एक्सेल स्प्रेडशीट डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर द रिक्वायरमेंट. फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 25 मार्क्स, अगेन देयर इज 2 एग्जिबिट्स, अगेन देयर इज 25 मार्क्स रिक्वायरमेंट, अगेन दैट आई एम नॉट ओपनिंग देम. हम लोग खत्म कर दिए. जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम में आंसर लिखोगे, घर से बैठकर एग्जाम दोगे तो लिखोगे, आपने मान लीजिए इसको कंप्लीट कर दिया, आप प्रैक्टिस कर ली, आप करिए एंड एग्जाम. बोलेगा यस, बोलिए यस. बोलेगा यस, बोलिए यस. एंड हो गया, अब इससे एग्जिट हो जाइए. एग्जिट होने के बाद आपको यह चेक करना है कि मेरा आंसर कितना राइट है, मॉडल आंसर्स क्या है, मार्किंग गाइडलाइंस क्या है. तो आप यहां पर ये वही, दिस इज द सेम प्लेटफॉर्म वेयर वी स्टार्टेड डूइंग द पेपर, जहां से मैंने पेपर चालू किया था लॉग इन करने के बाद. सो वी विल गो इन मार्क टैब. मार्क टैब के अंदर हम लोग प्री एग्जाम में जाएंगे, प्री डिसंबर मॉक एग्जाम. उसमें AFM प्री डिसंबर मॉक एग्जाम का सेल्फ मार्क बोल रहा है. यस भाई, सेल्फ मार्क. अंडर मार्क टैब वी विल गो, देन वी विल बी गेटिंग सेल्फ मार्क डिटेल. सेल्फ मार्क डिटेल मतलब आपको आंसर्स इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, मॉडल आंसर्स. ठीक है, मॉडल आंसर्स. ये मॉडल आंसर्स रिटन फॉर द इंटायर 100 मार्क्स पेपर. पूरा 100 मार्क्स पेपर का मॉडल आंसर दिया हुआ है, साथ में मार्किंग गाइडलाइंस कि कौन से स्टेप पे कौन सा चीज लिखने से क्या नंबर अलॉट करना है. सो इफ आई एम चेकिंग योर कॉपी एज अ मॉक पेपर, मैं इस गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा. आई कैनॉट अलॉट यू मार्क्स जैसे भी मेरा मर्जी है. आई नीड टू चेक योर कॉपी, आई नीड टू टेक द मॉक टेस्ट इन द क्लास बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस. जब ये गाइडलाइंस होगा तो ही मैं आपको मार्क्स दे सकता हूं. Wherever the calculation are involved, marks are solid. आपने cost of equity सही निकाला, एक नंबर. Value of equity गलत निकाला, गया नंबर. Value of existing debt सही निकाला, एक नंबर. WACC सही निकाला, दो नंबर. पांच में आपको मिलेगा 4 नंबर. There is nothing on my side कि मैं आपको कमती बेसी दू. Normally कोई बोलेगा theory में सर, theory में भी कोई ऐसा नहीं है कि I am giving out of 3-4 में से 0. Somebody should be giving you 4. ऐसा कुछ नहीं है सर. अगर सेल ऑफ है तो सेल ऑफ होता है कि हम लोग अपना बिजनेस किसी को सेल करना चाह रहे हैं, उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या पूछा है, दैट नीड टू बी कवर्ड. कि व्हेन वी आर डूइंग सेल ऑफ
देन सेल ऑफ करने से उसका क्या एडवांटेज, दिस एट दैट समथिंग दी, नॉट दैट द लैंग्वेज ऑफ योर आंसर एंड द इंस्टीट्यूट लैंग्वेज नीड टू बी सेम, वो कभी नहीं होने वाला है. आप चाहे 10 साल 20 साल पढ़ लीजिए, देन ऑल्सो द लैंग्वेज कैन नॉट बी सेम, लैंग्वेज विल ऑलवेज बी डिफरेंट, ऑलवेज. सो नेवर वेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, और आप ऐसा एग्जैक्टली नहीं लिखे हैं, तो आप तो मैं नहीं लिख सकता, आप कहां से लिखेंगे? What is asked in the question? What is to be written? What they have written? Are we covering as per the requirement? Then we will be getting the marks. मान लीजिए मैं आपको 4 में 2 marks दे रहा हूं, हो सकता है कोई जन आपको 3 नंबर दे देता, हो सकता है कोई आपको एक ही देता, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा भाई. सम बेनिफिट ऑफ डाउट यू नीड टू गिव टू द एग्जामिनर, फॉर दैट रीजन वी गो टू गॉड. भगवान के पास हाथ जोड़ने से ये थोड़ी ना होगा कि बगैर एग्जाम दिए नंबर आ जाएगा, बगैर लिखे नंबर. बस आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, कि अगर टीचर मेरा पेपर चेक कर रहा है तो 2 के बदले 3 ही दे, 2 नहीं दे, या 2 भी दे कम से कम, 1 नहीं दे, थोड़ा सा उसका मन ठीक रहे, बस इतना ही. प्रे मींस आप जो एफर्ट्स पुट किए हैं दैट विल गिव यू फ्रूट्स, लेकिन आप एफर्ट्स पुट करेंगे नहीं तो प्रे का कुछ मतलब नहीं है, नो मतलब. सो मीन टू सी दैट कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं वो आपको यहीं पर सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट विच इज आफ्टर 2 मंथ्स यू विल बी डूइंग, और ये सब मॉक पेपर्स स्टूडेंट को अच्छे से करके जाना चाहिए. हम लोग क्लास में भी करेंगे, नॉट सारा, 2-4 तो मैं कराऊंगा, 2-4 आप खुद करेंगे, तो सारा पेपर सॉल्व करके जाएंगे ऑन द प्लेटफॉर्म. जब स्टूडेंट पूरा स्टडी करेगा, प्लेटफॉर्म पे पेपर सॉल्व करके जाएगा, अपना इवैल्यूएशन करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा, क्लास में मॉक टेस्ट होगा, उसका आंसर्स देगा, नॉर्मली उस स्टूडेंट का पास होने का प्रोबेबिलिटी 90% के ऊपर है. मतलब यू हैव गिवन योर एफर्ट्स, नाउ ओनली लेफ्ट प्रे, बस. बिकॉज चाहे जितना भी महान बन जाए फिर भी भगवान का तो नाम लेना होगा यार, अल्लाह का नाम ले बगैर होएगा नहीं. सो फॉर दैट रीजन दैट्स अ प्रे, बट यू हैव गिवन योर 100%. जब आप ये सब करेंगे आपको 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में पास होएंगे. अब आप बोलेंगे मान लीजिए मैं लाइव क्लास नहीं कर सकता, मैं लाइव क्लास जानबूझ के एक मॉर्निंग एक इवनिंग कर दिया हूं. मान लीजिए somebody इज गोइंग टू ऑफिस एट 9 AM, 8:30 AM, रिटर्निंग बैक अर्ली. somebody इज गोइंग टू ऑफिस एट लेट बट रिटर्निंग बैक एट 9 o'clock, 10 o'clock. सो फॉर दैट रीजन मैंने क्या कर दिया, एक मॉर्निंग एक इवनिंग क्लास. एंड इवन दो इफ यू आर डूइंग द लाइव क्लास, एज आई ऑलवेज से, लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डिंग तो आपको करना ही पड़ेगा. इवन दो यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन द क्लास देन ऑल्सो, रीजन इज ओनली वन, इट्स नॉट दैट कि मैं आपसे कोई ज्यादा बुद्धिमान हूं. आवर ब्रेन लेवल, माइन एंड योर इज सेम. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20+ years विच यू डोंट हैव. I have studied these things for more than 20 years from different courses, CA, CMA, CFA, then CMA, ACCA, sab jagah padh kar bahut experience ho gaya. Wo experience aisa lagta hai ki mere ko aapse zyada gyan hai, because of experience. Mera jo IQ level hai wo aap jaisa hi hai, koi difference nahi hai, lekin mere paas wo experience hai jo aapke paas nahi hai. So, मैं अगर कोई चीज कर पा रहा हूं जल्दी से बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ 20+ years, तो आप एक बार में क्लास में पढ़ के कैसे समझ जाएंगे? इम्पॉसिबल. मे बी यू आर वन ऑफ द चैंपियन इन द वर्ल्ड, आपको फिर से क्लास का रिकॉर्डिंग करना मस्ट है. यानी कि आप लाइव क्लास कर रहे हैं उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग करना है, और अगर लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो भी रिकॉर्डिंग करना है. सो रिकॉर्डिंग तो मेरे को देना ही है आपको. Once you do the recordings, recording मतलब ये नहीं हुआ जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, that's not the recording. Recording मतलब कोई calculation है, कोई चीज है जो थोड़ा tricky है, आपने live class में किया, अब आप recording कर रहे हैं, आप recording को pause करिए. अभी मैं इसको तो pause नहीं कर सकता, recording के time पे video को pause करिए, pause करके सोचिए कि what sir is saying is I am getting, अपना दिमाग घुमाइए, समझिए. कोई जगह मान लीजिए जैसे ये सब बात जो बोल रहा हूं, There are students who have already given ACCA exams, उनको सब मालूम है, वो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या होगा वापिस सुनकर. बट द क्लास इज नॉट रनिंग फॉर वन स्टूडेंट, फॉर एवरीबडी ना. सो अगर किसी को ये बातें मालूम है आप इसको फॉरवर्ड कर लीजिए.
लेकिन रिकॉर्डिंग मतलब आपको उसको समझना है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, आपको वीडियो को पॉज करना होगा, ध्यान देना होगा, समझना होगा, रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। रिकॉर्डिंग के बाद इफ देयर इज एन एरिया आई हैव टॉट इन द क्लास एंड आई हैव डन सम क्वेश्चन सम डिस्कशन एंड ऑल दैट, आपने रिकॉर्डिंग किया, अब उसको अपने आप करी। द क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, द एरिया विच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, नाउ यू डू इन राइटिंग। जैसे मैं बोल रहा हूं कि क्लास में मैं कुछ ना कुछ लिखते रहूंगा, लिखते रहूंगा। क्या लिखना है वापिस जब नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दे ही रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग? इफ आई डोंट राइट आई डोंट फील लाइक आई एम टीचिंग, अगर मैं कुछ लिखूंगा नहीं मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। वैसे ही इफ यू आर नॉट राइटिंग व्हाट एवर यू आर स्टडिंग यू विल नेवर फील दैट यू नो द थिंग्स। जब तक आदमी लिख कर नहीं पढ़ेगा वो कभी पास नहीं होएगा। तो जो चीज मैंने क्लास में पढ़ाया यू हैव डन द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट, अब आप उसको लिख कर करिए। लिखकर मतलब पेन एंड पेपर नहीं। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग डोंट राइट एनीथिंग, अभी क्लास में कुछ लिख थोड़ी ना रहे हैं, रिकॉर्डिंग में शांति से सुनिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग राइट द इंटायर क्लास स्टोरी इन योर ओन कॉपी। अब राइट मतलब मैं ये नहीं बोल रहा यू विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इन योर वर्ड फाइल, वो नहीं बोल रहा। वॉट एवर आई एम गिविंग हियर अ राइट अप, मान लीजिए मैंने ये सब लिखा, आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ी ना कॉपी पेस्ट चल रहा है। आपने रिकॉर्डिंग करके क्या समझा, कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसको फिर से सॉल्व करिए, कोई एरिया डिस्कस हुआ उसको सिनॉप्सिस ठीक से लिखिए, कि आपके पूरे रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको चीज समझ में आ गई। इफ देयर इज इन अ टॉपिक देयर आर 5-10 क्वेश्चंस, देयर आर 1 or 2 ट्रिकी क्वेश्चंस विच यू वांट टू रिवाइज अगेन, आप उनको कॉपी पेस्ट करिए अपना वर्ड फाइल में। जब आप उनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, दैट मींस दैट टॉपिक दैट डिस्कशन इज फुल्ली डन बाय यू। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल रिवाइज यू डोंट नीड टू ओपन रिकॉर्डिंग्स, यू डोंट नीड टू ओपन माय नोट्स एंड ऑल दैट। आपका अपना नोट्स रेडी है ना, आपको क्या चीज रिवाइज करना है, क्या चीज नहीं समझ में आया था, कौन सा क्वेश्चन अगेन यू नीड टू सी, यू हैव रेडी। इफ समबडी विल से दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम 2 days बिफोर, सर विच वन इज इंपॉर्टेंट, मेरे को मालूम नहीं है यार। यहां थोड़ी ना कि 4 क्वेश्चन है, 2 करना है तो इंपॉर्टेंट बता दे आपको। कोई बोलेगा सर मैं क्या पढ़ू, नहीं मालूम है यार। आपको नहीं मालूम है 3 महीना पढ़ने के बाद कि आपको क्या चीज रिवाइज करना है एग्जाम के दिन, तो मैं कैसे बताऊं? दैट कैनॉट बी ए कॉमन थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट, दैट इज बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी। जब क्लासेस चलती है तो आपको 3-4 क्लास बाद पुराना रिविजन चालू कर देना चाहिए। सपोज आई हैव टेकन 5 क्लासेस, Now, whatever I taught in the first class, you start revise. Revise from your own notes. Now, no my notes, no class slides, no Kaplan material, no institute website, nothing. आपका अपना है ना? Always study on screen. कोई notes खोलना screen पे खोलिए, कुछ लिखना screen पे लिखिए, calculation करना Excel पे करिए। सोचिए कोई pen paper life में नहीं है। There are students who are going for ACCA first time. Maybe they are working, but exam or study, ऐसे आपका habit है नहीं। आपका habit है book निकालना, underline करना, लिखना, type, वो है ना आपका habit, उसको change करना होगा from the first day. If somebody is giving you physical material, don't buy, don't take it, even for free. Use the material on screen only. जब आपको पढ़ना है on screen ही पढ़ना होगा। आप बोलेंगे सर मेरा आंख दुखता है, eyes में problem है, कोई ऑप्शन नहीं। मे बी आई एम हार्स बट कोई ऑप्शन नहीं। मैं बोलूंगा मेरा भी दुखता है, मैं पढ़ाऊं कैसे, क्या करूं? ये दुनिया में अपने को कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा। एग्जाम के लिए योर कंप्यूटर फ्रेंडलीनेस इज रिक्वायर्ड। देयर आर स्टूडेंट दोज हु हैव ज्वाइंड ACCA प्रोफेशनल लेवल आफ्टर डूइंग CA CMA इंडिया, उनको मैं फर्स्ट क्लास से ही बोल रहा हूं और पहले भी बोला है मैंने, कोई प्रिंट आउट लेकर स्टडी नहीं करना है। You will feel comfortable in the exam when from the first day you follow this. जैसे मैंने क्लास नोट्स बनाया वैसे आप अपना नोट्स बनाइए। सपोज रोहिणी AFM नोट्स फॉर March 2024, 2 फाइल बना लीजिए, एक वर्ड फाइल और एक एक्सेल फाइल, सब कुछ उसी में करेंगे। और जो नोट्स वगैरह आपको दिया गया है गूगल ड्राइव के थ्रू, वो नोट्स का कभी प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, ऑन स्क्रीन सब कुछ पढ़ेंगे। When you are doing the recording, suppose from this laptop, suppose
फ्रॉम मोबाइल फोन. जब आप रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो सब कुछ बंद हो जाता है. आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ करना भी नहीं, उस समय नहीं लिखना है. बोलेगा मेरे को लिखना है, फिर तो आपको एक एक लाइन बच्चे जैसे लिखना पड़ेगा ना. हम लोग उस लेवल को पार कर चुके. आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शांति से सुनिए, वीडियो को पॉज करिए, समझिए. रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आप अपना जो लिखना है लिखिए. दैट शुड बी द प्रोसेस. और आपको अपना नोट्स बनाना जरूरी है, मस्ट है. इफ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स, यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट इन एनी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता. एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू पुट द टाइम ऑफ स्टडी विल बी मोर देन SBL एंड APM. अगर किसी ने SBL APM एग्जाम दिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए जो आप टाइम देते हैं, आपको टाइम या ज्यादा देना है. बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत है, दो बार चार बार जब तक हाथ से लिख कर नहीं करेंगे, लिख के मतलब ऑन स्क्रीन, तब तक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं. सो मोर एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू पास AFM, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मजा आएगा पढ़कर. आई एम नॉट सेइंग कि APM इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन कभी कभी थ्योरी में क्या होता है, बोर लगने लगता है. यहां पर थ्योरी होने के बावजूद भी इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. नॉर्मली मैंने क्लास का टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता चुका है ऑलरेडी कि भाई मंडे मॉर्निंग एंड वेनेसडे इवनिंग क्लास है, कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें. दिस इज फिक्स्ड. इफ वन डे आई एम नॉट फ्री, सम प्रॉब्लम इज देयर, तो कोई इधर उधर कर दूंगा. बट क्लासेस एज यू ऑल नो मी, हर समय चलती रहेगा. मंडे वेनेसडे वी विल बी फिनिशिंग आवर सिलेबस अराउंड 28th of February. 20 फरवरी करीब खत्म होगा. हम लोग 12th दिसंबर को खड़े हैं, 11th दिसंबर को, यानी कि 2 महीना 10 दिन में सिलेबस खत्म करना है. मे बी 28th फरवरी के बदले 21st फरवरी हो जाए, वो हो सकता है. और लास्ट का 10 to 15 days वी विल फोकस ऑन मॉक पेपर्स, रिविजन एंड ऑल दैट. इसी तरह से मैं तो 10 साल से AFM ऑलवेज इन मार्च. आई टीच फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर AFM, सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर SBR, थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर APM, फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर SBL. ये सब्जेक्ट्स मैं ऐसे ही सालों से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही. APM, SBL आई कीप टुगेदर बिकॉज दे आर रिलेटेड. और फिर AFM, SBR अलग अलग है तो उनको अलग अलग रख के रखा है. यानी कि अब के बाद फिर पढ़ाएंगे दिसंबर 24 से मार्च 25 के लिए AFM लाइव, वन सब्जेक्ट लाइव फॉर एवरी क्वार्टर. I will advise every student, whether you are able to attend live or not, if you are taking classes from me, follow that subject which I am teaching live. मान लीजिए आप सुबह शाम कभी भी क्लास नहीं कर सकते, आपको ऑफिस सुबह 8 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है, there are many, तो फिर तो आपको कभी भी क्लास नहीं कर सकते. तो भी आप AFM ही पढ़िए अभी, बिकॉज लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग यू विल गेट आफ्टर 2-3 hours. जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, आप वो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास के पहले कंप्लीट करके पढ़ के रखिए. सेंड योर डाउट्स इन द क्लास विथ अ मेल कि भाई मेरे को ये नहीं समझ में आया, ये इश्यू है. सो हम लोग उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे. द सब्जेक्ट विच आई एम टीचिंग लाइव द फोकस विल बी 500%, बट द सब्जेक्ट विच आई एम नॉट टीचिंग लाइव उसके ऊपर फोकस उतना नहीं बनाया जा सकता. इवन दो यू आर डूइंग फ्रॉम द रिकॉर्डेड क्लासेस सेम थिंग विच आई एम टीचिंग नाउ, रिकॉर्डिंग तो इसी का मिलेगा, बट फिर भी जो लाइव चल रहा है और जो रिकॉर्डिंग है, दोनों में अंतर है भाई. सो व्हेन यू नीड टू गिव ऑल द एग्जाम्स, कोई हुआ ही नहीं है तो मेरी बात क्यों नहीं मानते यार. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कि यू हैव ऑलरेडी डन AFM, आपका केवल SBR बाकी है, तब रिकॉर्डिंग ही करना होगा. बट जब आप ऑलरेडी हैं और लाइव नहीं भी कर सकते, तो भी फॉलो द सब्जेक्ट विच आई एम टीचिंग इन द लाइव क्लास. दैट इज माई रिक्वेस्ट एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट, बिकॉज दिस कैन बी अंडरस्टूड बाई दोस जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है, कि जब सब्जेक्ट वो लाइव चलता है तो उसका फीलिंग एक अलग ही होता है. आप लाइव क्लास करें ना करें, रिकॉर्डिंग के साथ रहें, कोई इश्यू नहीं. अपने मॉर्निंग इवनिंग इसीलिए कर रहे हैं सो दैट यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस. अब उसके अलावा तो मैं क्या करूं. समबडी विल से दैट सैटरडे संडे, मैं कर देता हूं, बिलीव करिए मेरे हाथ में विद्या है. जब भी मैंने सैटरडे संडे क्लास की है, द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर इवन लोअर देन मंडे टू फ्राइडे, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे यू आर रेडी इन योर बॉडी, काम करना है. सैटरडे संडे लेथार्जिक, इधर जाना उधर जाना है, ये काम बाकी है, पेंडिंग है, इसको कर. आप नॉर्मली सैटरडे संडे और डाउन हो जाते. दिस लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आई एम डूइंग सिंस 2014, नाउ तो 10th year इज कमिंग, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना.
And I have always seen that in the batches in which I am taking Saturday, Sunday class, the presence of the students in percentage are lower than when I am doing the class on Monday to Friday. वैसे सैटरडे संडे मेरा दूसरा ऑलरेडी सब्जेक्ट है जो मैं कराता हूं, सो नॉर्मली हैव एनी टाइम, बट फिर भी आपके लिए क्लास का लाइफ टाइम तब है जब आप फ्री हैं। और नॉर्मली किसी को 7 बजे 8 बजे ऑफिस जाना है मॉर्निंग, और रात को 10 बजे आएगा, तो उसके लिए कहां से अरेंज किया जाए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कीप द क्लासेस एट दैट टाइम वेयर यू कैन मैनेज। अगर आपको 8 बजे ऑफिस जाना भी है तो हर दिन तो क्लास नहीं है, एक दिन ऑफिस से मैनेज कर लीजिए। You can easily if you are interested. अगर आपको रात को 10 बजे आना है तो एक दिन क्लास के 8 बजे थोड़ा पहुंच जाइए, और वेयर एवर यू आर यू कैन स्टार्ट द क्लास थ्रू द मोबाइल फोन ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट यू नीड टू बी। बट क्या है कि क्लास करने के लिए यू रिक्वायर अ पीसफुल इन्वायरमेंट, यू कांट डू अदर थिंग्स अलॉन्ग विद द क्लास। वेन यू आर डूइंग द रिकॉर्डिंग यू नीड टू फोकस ऑन द रिकॉर्डिंग, वेन यू स्टडी यू नीड टू फोकस ऑन स्टडी, यू कांट डू अदर थिंग्स विद द स्टडी, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर वैसा कुछ है तो आपको रिकॉर्डिंग ही करना होगा। बट नॉर्मली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द लाइव क्लासेस ऑलवेज एट द टाइम व्हेन देयर इज नो ऑफिस, जिससे कि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होए, आपका रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, नोट्स नहीं है, कुछ है ऐसा, आप यहां मेल डालिए, फोन वगैरह नहीं करेंगे, नहीं करना है फोन मैसेज, व्हाट्सएप फोन में नहीं करना है, आप चुपचाप मेल डालिए, मेरे को भी पता रहेगा, योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व फास्ट। मैं तो ऑफिस के फोन पे भी मेल मैसेज करने मना कर रहा हूं, मेरे को भी मैसेज नहीं करना। इफ एनी टेक्निकल इश्यू, क्लास रिकॉर्डिंग दिस दैट, एनी टेक्निकल इश्यू, प्लीज मेल, योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व ASAP। सबको डायरेक्शन दिया हुआ है ऑफिस में आप लोग को कैसे है, और मेरे को भी पता चल गया आपने मेल डाला है। हाउ टू स्टडी मैंने बता दिया कि भाई लाइव क्लास करिए, रिकॉर्डिंग करिए। नाउ मटेरियल कौन सा यूज करना है, विच मटेरियल टू यूज, आपकी मर्जी, आप जो यूज करें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ माई सजेशन, देन माई सजेशन इज द गूगल ड्राइव लिंक विच इज गिवन टू ऑल ऑफ यू, आपको यही वाला मटेरियल यूज करना है। इसके अंदर ऑल द रिसेंट मटेरियल, एग्जाम किट ऑफ 23-24 एंड स्टडी टेक्स्ट ऑफ 23-24। ये एग्जाम किट स्टडी टेक्स्ट क्या होता है, एग्जाम किट मतलब ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटिंग टू द इंटायर सिलेबस, टॉपिक वाइज, मॉक पेपर्स, वो सब है। और स्टडी टेक्स्ट मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, टोटल डिटेल ऑफ द टॉपिक अलोंग विद क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। मान लीजिए जैसे आपने कोई दूसरा कोर्स किया होगा, ये स्टडी मटेरियल है। स्टडी टेक्स्ट मतलब स्टडी मटेरियल, पूरा का पूरा सिलेबस में जितने चैप्टर्स है उनका एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ वाइज, हेडिंग वाइज, उनके बेसिस पे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस भी। और एग्जाम किट मतलब ओनली क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस रिलेटेड थिंग्स। तो ये दो चीज मेरे को लगता है सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। दिस लिंक हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू। यहां पर मैंने और भी BPP वगैरह का भी दिया हुआ है, बट आई पर्सनली लाइक कापलान। आई एम नॉट सेइंग कि BPP इज गुड और बैड, मेरे को कापलान ज्यादा बढ़िया लगता है, तो मैं एडवाइस करूंगा यू शुड रेफर कापलान। इसके अंदर प्रीवियस बैच का क्लास स्लाइड्स ये सब भी है, बिकॉज इफ समबडी इज डूइंग द प्रीवियस बैच क्लासेस तो उनको क्लास स्लाइड्स चाहिएगा ना, जो क्लास नोट्स अभी मैं बनाया हूं, तो वो क्लास स्लाइड्स, क्लास नोट्स मैंने यहां डाल दिया है प्रीवियस बैच का, सो दैट स्टूडेंट डोंट नीड टू डिमांड। जब ये बैच खत्म हो जाएगा फेब्रुअरी एंड मार्च बिगिनिंग में, then I will delete these AFM previous batch class slides and all that, then I will upload this. लेकिन अभी जब तक ये batch चल रहा है, somebody want to study in advance तो भाई कर सकते हैं। normally मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, आपको एक subject पढ़ना है, आप regularly साथ साथ रहिए। हम लोग 28th February, 22nd February, 21st February तक खत्म करेंगे, mock papers करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, एकदम confidence आएगा आपको, कोई problem नहीं होने वाली। Maybe you are not able to sometime attend a live class, do the recordings and always with the class. Class ke saath daudiye. Here, there is an how to prepare and then there is a strategy to pass. Those materials are there. Ye maine 2 saal pehle ek webinar liya tha. Uspe maine institute kaise marking karta hai, wo sab diya tha. To wo dala hua hai, aap usko bhi refer kar sakte hain. Just one time.
एंड दीज इन अदर बैचेस व्हाट मॉक टेस्ट आई हैव टेकन, हाउ द स्टूडेंट हैज आंसर्ड, किसको कितना नंबर मिला, वो सब भी यहां दिया हुआ है, सब कुछ है। मतलब मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं आपको अलग से दूं जो मैंने नहीं दिया। आई हैव गिवन द मेटेरियल्स टू ऑल ऑफ यू, जो मेटेरियल मेरे पास है सब मैंने आप लोग को दे दिया है। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दीज मेटेरियल्स सेव्ड ऑन माई डेस्कटॉप, यू शुड डू दैट ओनली। जब आपको लिंक मिला, ये AFM का कल ही मैंने सबको लिंक दिया है, आप वो लिंक से ये सारा का सारा मेटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट यू डोंट नीड टू ओपन द गूगल ड्राइव लिंक अगेन एंड अगेन। सेव इन अ फोल्डर एंड स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास जो जो मेटेरियल मैं यूज कर रहा हूं। वी कैन डू वन मोर थिंग, आप अपना ACCA में जाएंगे, मैं अपना एजुकेशन हब में जा रहा हूं। हम लोग के लिए ट्यूटर्स लोग के लिए एजुकेशन हब होता है, आपके लिए माई ACCA है, ये हम लोग का एजुकेशन हब है। एजुकेशन हब हमारा अपना ID पासवर्ड है। दिस एजुकेशन हब स्टडी हब अंडर स्टडी हब ऑल द 15 सब्जेक्ट्स ऑफ ACCA आर देयर। वी आर कंसर्न्ड विथ AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ओपन, आई हैव ओपनड इट। वट एवर आई एम सोइंग दैट इज ऑन प्रकाश सराफ विदिशा सराफ प्रोफाइल, आपको अपना माई ACCA में स्टडी हब में जाने से मिलेगा, अपना ID पासवर्ड डालने से। अब यहां पर है द इंटायर सिलेबस विच इज इन व्हाट डू यू से द इंटायर सिलेबस एज पर कापलान, टोटल में जितने टॉपिक्स हैं सब यहां पर स्टडी हब के अंदर भी सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल इन टोटल ऑल इनको आपको एक्सपेंड करना है, तो स्टडी टेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या है, देन चैप्टर 1 रोल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, उसके अंदर 1 by 1 इंस्टीट्यूट का सिलेबस इफ यू ओपन, फ्रॉम वेयर यू विल ओपन, इफ यू ओपन द सिलेबस, ऐसे सिलेबस यहां भी है, यू कैन ओपन द सिलेबस हियर, प्रोफेशनल सिलेबस एंड गाइडेंस, जो यहां से खोलकर सिलेबस आएगा, सपोज आई विल ओपन, यहां से जो सिलेबस का फाइल गिवन इन द नॉर्मल ACCA, इन द नॉर्मल ACCA व्हेन यू विल ओपन दिस सिलेबस इट विल गिव यू द सेम फाइल आपको मिलने वाला है, सेम है ये। दिस वन द फाइल विच इज हियर, दिस इज द सेम फाइल विच इज देयर इन स्टडी हब, द सेम फाइल इज देयर इन स्टडी हब, कोई अंतर नहीं। So just one second, in study hub, suppose you can see in the left hand side chapters, flashcards, quizzes, practice questions, quizzes, practice, ये सब यहां से सीधा सीधी हम लोग जा सकते हैं। Suppose quizzes, quiz कितना है, maybe relating to each topic, quiz chapter 1, chapter 2, there are multiple choice questions. In exams you don't have multiple choice questions. बट जस्ट इफ यू हैव डन द टॉपिक, आपको प्रैक्टिस करना है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप ये मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। रिलेटिंग टू एवरी चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक एग्जाम स्टाइल, 50 marks, 25 marks क्वेश्चन आर देयर, पूरा पूरी हर एक चैप्टर से रिलेटेड पूरा। और अगर आप यहां चैप्टर वाइज हैं तो आप रोल 1 चैप्टर 1 में जाइए, इन चैप्टर 1 कंक्लूजन समरी एंड क्विज टेक्निकल आर्टिकल्स समरी एंड क्विज यहां सब में बोलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन बीच में यहां पर जब आप खोलेंगे इसको, सपोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीच में यहां प्रैक्टिस क्वेश्चन आते जाएगा। सो यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम हियर और यू कैन गो चैप्टर वाइज। लास्ट ईयर दैट इज करेंट ईयर ऑब्वियसली सॉरी 2023 द इंस्टीट्यूट हैज सेड दैट कि स्टूडेंट डोंट नीड टू परचेज एनी मेटेरियल।
ना इधर कापलान, ना इधर बीपीपी और एनी अदर मेटेरियल. इंस्टीट्यूट इज गिविंग फ्री मेटेरियल टू ऑल द स्टूडेंट्स. यानी कि आप अगर एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कोई जगह से कोई मेटेरियल नहीं खरीदना है. ऑल द मेटेरियल्स आर देयर इन योर माई एसीसीए स्टडी हब अकाउंट. यू डोंट नीड टू बाई क्वेश्चन किट, यू डोंट नीड टू बाई एग्जाम किट, यू डोंट नीड टू बाई स्टडी मेटेरियल, यू डोंट नीड टू बाई एनीथिंग. सब कुछ है और यहां पर रेगुलरली दे आर डूइंग अपग्रेड. कोई चेंजेस आया, कोई पैराग्राफ को चेंज करना है, दे हैव अ टीम ऑफ फैकल्टीज जिससे ये लोग उसको अपडेट कर रहे हैं. यू कैन रेफर दिस ऑल्सो. अभी क्वेश्चन ये आता है कि वेदर आई शुड रेफर दिस एग्जाम किट स्टडी टेक्स्ट और आई शुड रेफर स्टडी हब, क्या करें यार? सबसे पहली बात, दोनों नहीं सर. फिर तो और भी निकाल लेते, बीपीपी भी रेफर करते हैं. आई सेड हियर द बीपीपी इज ऑल्सो देयर. मैंने तो यहां बोला यहां पर बीपीपी का भी है, फिर और भी है मार्केट में. आप कितना करेंगे, कितना? एक ही चीज को 20 प्लेसेस से यू शुड नॉट स्टडी. दैट इज माय एडवाइस. बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, यू नीड टू कवर अप. आपको पहले से ही सेलेक्ट करना है मेरे को कहां से पढ़ना है. माय एडवाइस आई एम गिविंग, आपको ऑलवेज पढ़ना है विथ माय क्लास नोट्स. बिकॉज दीज क्लास नोट्स आई एम प्रिपेयरिंग, रेफरिंग कापलान, रेफरिंग स्टडी हब, रेफरिंग बीपीपी, रेफरिंग गूगल, एवरीथिंग. तो ये क्लास नोट्स मैं रेफर करूंगा क्लास में और आपको इसी से पढ़ना है. दैट इज माई एडवाइस. इफ यू वॉन्ट टू रेफर अदर देन दिस, आपको कुछ और भी रेफर करना है, आप नॉर्मली AFM स्टडी टेक्स्ट कापलान का रेफर करिए या स्टडी हब, बस दोनों में से एक. उसको भी करना क्या है, वेन यू से दैट की सपोज आई हैव ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी राइटिंग गिविंग यू नोट्स विच इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज ज्यादा बेटर है, तो आपको फिर ये दोनों खोलना ही क्यों. मान लीजिए समथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड, समथिंग इज रिटन हियर, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस. बस आप वो पोर्सन को या तो कापलान स्टडी टेक्स्ट या वो पोर्सन को यहां पर स्टडी हब कहीं से पढ़ लीजिए. नॉट एवरी पोर्सन, वेयर एवर यू फाइंड दैट द प्रॉब्लम आर देयर, वेयर एवर यू फाइंड दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, वेयर एवर यू फाइंड दैट यूर कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर, आपको कुछ ना कुछ मन में प्रॉब्लम लग रही है, तब वो चीज को आप स्टडी टेक्स्ट या स्टडी हब दोनों में से एक जगह. कहां से? देयर इज नो प्रायोरिटी, नथिंग. बिकॉज नॉर्मली मैं तो यहां पर सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड, उसका नोट्स भी देने वाला हूं. तो मेरे हिसाब से पर्सनली ना तो इसको ना इसको किसी को खोलने की जरूरत नहीं. जस्ट फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस यू नीड टू ओपन एग्जाम किट, यू नीड टू ओपन स्टडी टेक्स्ट, यू नीड टू ओपन स्टडी हब. बोलेगा सब जगह से क्वेश्चंस करना है, टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस. इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम किट, यू गॉट द कॉन्फिडेंस. अब आपको स्टडी टेक्स्ट और स्टडी हब से क्वेश्चंस नहीं करना है. सपोज यू आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी हब, ये वाला प्रैक्टिस वाला, अब यू गॉट द कॉन्फिडेंस, आपको एग्जाम किट से नहीं करना है. बोलेगा भाई इन एग्जाम किट, इन स्टडी हब 90% क्वेश्चंस आर सेम, 90% क्वेश्चन सेम है. मे बी कोई फिगर इधर उधर किया हुआ है, कंपनी का नाम चेंज किया हुआ है, बिकॉज सबके पास एक ही जगह से क्वेश्चन आ रहा है. कहां से? एवरीबडी इज गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हियर. ये जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बैंक बनाया है, वेदर इट्स एन स्टडी हब, वेदर इट्स कापलान, बीपीपी, सब लोग क्वेश्चन यहां से ले लेकर बना रहे हैं. तो आपको चार जगह से क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. बट स्टिल सपोज इफ द फिगर्स आर चेंज्ड और द कंपनी नेम इज चेंज्ड एंड यू फील दैट इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट मीन्स वॉट, वट एवर यू हैव डन, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको अच्छे से आया नहीं. इसलिए आपको इसको भी करना है. जब तक आपको एक चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आए, तब तक क्वेश्चन बनाते रहना. और इतना है कि आप वो पूरा कर ही नहीं सकते. इन द एग्जाम किट, इन द स्टडी टेक्स्ट, इन स्टडी हब, सो मेनी क्वेश्चन आर देयर दैट यू कांट डू ऑल. इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट टू डू ऑल. यानी कि मन में कहीं पर ख्याल भी नहीं आना चाहिए मेरे को और कौन सा मेटेरियल लेना है. मेरे को कोई स्टूडेंट ये बोला कि ये वाला लो ये अच्छा है, फालतू बात है. बिलीव करिए इतना सारा तो फ्री रिसोर्सेस मिल रहा है, क्या जरूरत है और दिमाग लगाने का. और इतना हम कर नहीं सकते. सो नो एनी फर्दर मेटेरियल और एनीथिंग टू रेफर. माई एडवाइस. आप बोलेंगे आई विल डू क्वेश्चन फ्रॉम CA फाइनल SFM, आई विल डू फ्रॉम CMA का फाइनेंस बुक से, आई विल डू फ्रॉम गूगल, करिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. आस्क इन द क्लास, आई डोंट हैव प्रॉब्लम.
आपको अगर वो क्वेश्चंस क्लास में भी पूछना है पूछिए, हमको क्या है। बट अगर सिलेबस की बात करें, एग्जाम पास करने की बात करें, तो ये क्वेश्चंस ज्यादा है जितना हमें करना है, मोर देन व्हाट वी कैन डू। सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू नीड टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम अदर प्लेसेस, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी हाई स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि लेवल लो है, एकदम अच्छा खासा क्वेश्चंस बना बना के दिया है, विच इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ऑल्सो, एग्जाम ओरिएंटेड ऑल्सो। सो माई एडवाइस डूइंग दीज मेटेरियल्स, दीज क्वेश्चंस इज एडवाइजेबल। बट मैंने जैसे बोला, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहां से जो करना हो करिए, आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स। मे बी यू कैन मेल, यू कैन व्हाट्सअप, यू कैन कॉल मी। डाउट्स स्टडी रिलेटेड, नॉट वीडियो नहीं चल रहा है, नोट्स नहीं मिला, ये सब वो सब बात नहीं करेंगे। वो सब आप मेल डालिए, मेरा टीम अपने आप आपको हेल्प करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड 100 मार्क्स पेपर, 50 मार्क्स पास मार्क्स। इन ACCA देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रुप स्ट्रक्चर और एनीथिंग पेपर वाइज एग्जाम। इफ यू आर गिविंग टू एग्जाम्स, दोनों में अलग अलग पास करना है आपको, 100 में 50 मार्क्स लाना है। नॉर्मली आई ऑलवेज से एंड स्टिल आई विल से, इफ यू सॉल्व 100 मार्क्स पेपर, द चांस ऑफ योर पासिंग इज ग्रेटर देन 70-80%। इफ यू डोंट सॉल्व 100 मार्क्स पेपर, मान लीजिए कोई ने मेरे को फोन किया, सर मैंने 94 मार्क्स का सॉल्व किया है, मन में अच्छा नहीं लग, क्यों 6 नंबर छोड़ा। Somebody will call me and say, sir, I have solved 90 marks paper. That means the chances of your failure are increasing. Koi bhi exams mein, if you solve 100 marks paper, you can't fail the exam normally. Unless and until aapne bahut hi kharab likh diya. Lekin 100 marks ka paper jo karta hai, wo kharab likh hi nahi sakta. When the student is able to solve 100 marks paper in 3 hours, wo easily pass ho jayega. I have passed all my exams in life by solving 100 marks paper. I was not very brilliant student कि कोई rank holder है, बस exam के लिए मन से पढ़ के जा रहे हैं, एकदम जी जान से mock paper करके जा रहे हैं, practice करके जा रहे हैं, और exam में एक ही कसम खाकर घुस रहे हैं, 100 number का paper करके निकलना है। I need to solve 100 marks paper. Never failed. Never failed can be considered as a good thing कि भाई tension नहीं हुआ। एक ही मंत्र I know, I have solved every paper in my life 100 marks का, so fail कभी हुए ही नहीं, tension ही नहीं हुआ। मान लीजिए rank नहीं आया, लेकिन fail तो नहीं हुआ ना, एक बार में, चाहे CA inter हो, CA final हो, CMA final हो, CMA inter हो, CS हो, सीमा हो, कोई भी हो, कोई भी exam, CFA हो, इतना सारा exams दिए, लेकिन कोई भी exam में fail नहीं होने का एक ही reason, पूरा paper करके आना। पढ़ के जाना तो other reason है ही है, because I was studious, सुबह से रात तक पढ़ने वाला, पढ़ाई करने वाला, पढ़ाकू स्टूडेंट, दैट्स ओके। बट देन एग्जाम में, एग्जाम प्लेटफॉर्म, एग्जाम को कैसे करना है वो सीधा मालूम है, पास कैसे होना है। सो नेवर फेल्ड, बिकॉज नेवर लेफ्ट सिंगल क्वेश्चन, सिंगल मार्क्स क्वेश्चन इन एग्जाम। तो एग्जामिनर को इतना प्लेग्राउंड तो दे ही रहे हैं कि वो 100 में 50 दे ही देगा। आज सीए के अंदर ग्रुप वाइज स्ट्रक्चर है, कोई कोई पेपर में मान लीजिए 46-47 आया, 42 भी आया होगा, लेकिन जब हम सारा पेपर 100 नंबर करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो छक्का मारेंगे, कहीं ना कहीं तो 60 प्लस आएगा, ये अपने आप कॉम्पेंसेट हो जाएगा। सो नेवर प्रॉब्लम अराइजेस, सो आई से ऑलवेज दैट थिंग कि आप मन से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पहले से डिसाइड कर लीजिए विच मेटेरियल, विच क्वेश्चन आई विल बी डूइंग, रेगुलरली स्टडी करिए, डाउट्स पूछिए, लास्ट में मॉक पेपर्स वगैरह करिए, आप एग्जाम फेल हो ही नहीं सकते। 90-95% आप एग्जाम पास करेंगे, 5% गॉड लक। आप कितना भी पढ़ लीजिए, थोड़ा भगवान का साथ जरूरी। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस, विच सब्जेक्ट, हाउ टू स्टडी एंड ऑल दैट। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क, एनी कंफ्यूजन? अनुराग, आयुष, चिन्मय, केदार, महारानवा, रोहिणी, सुदीप्ता, शुभम, सो शुड वी प्रोसीड नाउ स्टार्ट अवर सिलेबस? यस सर, थैंक यू।